दोस्तों जिवें कि हुण मानसून आ गए ने ते मानसून दा सीजन होंदा है रोमांस दा सीजन। इवन इफ द सीजन इज वेरी स्टिकी पर फिर भी असी मेकअप दे नाल अपने आप नूं किस तरह दे नाल एक ग्लैमरस लुक दे सकने आ ऐ जानण लई एक बार फिर मुलाकात करदे आ साडे ब्यूटी एक्सपर्ट इंदिरा आलूवालिया जी दे नाल साडे सेक्शन सजना सवरना दे विच। इंदिरा जी वंस अगेन वेलकम टू द शो। हेलो इंदिरा जी, मानसून दे मौसम दे विच असी किस तरह दे नाल अपने आप नूं ग्लैमरस लुक दे सकने आ? असी मानसून दे विच खास करके आईज नूं काफ़ी फ्लैटर कर सकते हैं क्योंकि मानसून का मौसम तुसी देखिया गया कि सर रोमांटिक होंगे बिल्कुल तो उस दे नाल असी अपनी आईज नूं ज़्यादा एक्सेंचुएट कर सकते हैं। जिस तरह तुसी कजल पा सकते हो, मस्कारा, लॉट्स ऑफ मस्कारास, और जिहड़ा असी लाइनर लगाना है वो असी गोल्डन या सिल्वर लगा के उन्हें थोड़ा जिहा एप्लीकेटर दे नाल उन्हें तुसी स्मूथ कर दिओ, शार्प लाइन ना लगे। एंड कॉर्नरस दे उत्ते तुसी ग्लिटर्स भी लगा सकते हो। जिहड़े असी ग्लिटर लगाने होंदे आ यूजली असी लगा देने आ क्रीम दे नाल, क्रीम नीचे लगा के वो इन्हां दिनां विच डर लगता कि पसीने दे विच तुहाडा सारा वॉश आउट ना हो जाए। इस करके तुसी एक मेकअप वास्ते स्पैशल ग्लू मिलती है ग्लिटर्स वास्ते, मेकअप ग्लू, तो उहदे विच तुसी मिक्स करके अपने ग्लिटर लगा सकते हो। और जब तक तुसी खुद साफ नहीं करोगे उहनूं मानसून नहीं साफ कर सकता। बिल्कुल अच्छा इंदिरा जी, असी अगर गल करिए अपने चीक्स दी तो किस तरह दे नाल असी अपने आप नूं अपने चीक्स नूं खासकर हाईलाइट कर सकने आ? देखो मेकअप विच असी कोई भी चीज़ मानसून दे विच यूज़ करनी है, एक चीज़ का ध्यान रखना कि पसीने करके या ज़्यादा पानी करके किसी तरह से और उहदे करके उहनूं वॉश आउट नहीं होना चाहिए। असी पहले भी डिस्कस किया सीगा जिवें असी पैनकेक्स नाल भी ब्लशर दे सकते हैं, नहीं तो असी पाउडर ब्लशर बड़े आराम नाल यूज़ कर सकते हैं, वो वॉश आउट नहीं होंदे जल्दी और स्किन दे विच एब्जॉर्ब हो जाते हैं और काफ़ी देर तक स्टे करते हैं। अच्छा तो असी लिप्स नूं किस तरह दे नाल ग्लैमरस लुक दे सकते हैं? लिप्स डेफिनेटली यू विल हैव टू पुट अ स्टे ऑन लिपस्टिक। कई एहोजियां लिपस्टिक्स आउंदियां जिहड़ियां उहनां दे लिखिया हुंदा है 8 hours, 10 hours, 12 hours, सानूं हमेशा ओह वाली लिपस्टिक यूज करनी चाहिए है क्योंकि पर यह मौसम बड़ा अच्छा होंदा है। विदाउट ग्लॉस जड़ा है वो लिपस्टिक थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, इस करके तुसी उन्हों प्लेन ग्लॉस दो। अगर तुसी ग्लिटरी देना भी चाहते हो, अगर सेम जड़ा ग्लिटर तुसी आईज के उत्ते यूज़ करता है उसी नू अपने प्लेन ग्लॉस दे विच मिक्स करके ग्लिटर इवनिंग टाइम तुसी अपनी लिपस्टिक भी लगा सकते हो, दैट विल लुक वेरी नाइस। अच्छा इंदिरा जी, जिवें कि असी हुण गल कीती फीचर्स दे बारे, पर एक गल जिहड़ी कि ज़्यादा कन्फ्यूज़ करदी है वो होंदी कि किस तरह का हेयर स्टाइल सानूं बनाना चाहिए है खासकर मानसून दे विच। मानसून दे विच अगर असी साडे वाल नैचुरल साडे हैगे प्लेन स्ट्रेट वाल ने और असी उन्हां नूं असी ब्लो ड्राई करने आ कि होंदा है थोड़ी देर मॉइस्चर दे विच वो साडा कर्ल्स जिहड़े ने फ्लैट हो जांदे ने। इस करके सानूं ध्यान देना चाहिए कि जिहड़े स्ट्रेट वालां नूं ज़्यादा कर्ल्स वगैरह दे के उन्हां नूं ना कीता जाए इहो जिहा काम कि जिहड़े उह स्ट्रेट हो जाए। और अगर तुहाडे वाल करली ने और असी उन्हां की करने कई बार असी प्लेन कर देने आ, स्ट्रेट कर देने आ स्ट्रेटनर नाल या ब्लो ड्राई नाल, पर साडे बड़े सारे बॉन्ड्स इस तरह आउंदे ने कि जरा जिहा मॉइस्चर लगता है तो वह फिर वेवी हो जाते हैं। तो इस करके जिहड़ा साडा नैचुरल वालों का टैक्सचर है सानूं बरसातों के उसनों मेनटेन करना चाहिए। सपोज जिवें साडे वाल करली ने तो बड़ा अच्छा रहिंदा कि तुसी करली वालों के उत्ते कोई वैट लुक जैल लगा के ड्रायर दे नाल डिफ्यूजर आते हैं वो ड्राई करो, वो वॉल्यूम भी आ जाएगा और जैल दे नाल उस तरह स्टे भी करेंगे तुहाडे और बड़ी देर तक वो स्टाइल चलेगा। अगर तुहाडा बरसात विच भी गिले हो जाते हैं या मॉइस्चर आ जाता है कुछ तुहाडे वाल बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलणगे। इंदिरा जी, इह तां असीं गल कीती मेकअप बारे, पर वार्डरोब ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी, तो खासकर मानसून के सीजन के सानूं किस तरह के कपड़े पाने चाहिए ने? देखो अगर तो इफ यू कैन अफोर्ड यू कैन वेयर केप्रिस क्योंकि वो नी तो उपर होंदियां ने तो बरसात भी हो तो जितने मर्जी चलते जाओ और अच्छी भी लगदियां ने। पर अगर तुम इस तरह का कुछ नहीं पाना चाहते तो कोई भी चीज़ जिदा फ्लेयर ज़्यादा व्डा ना हो और थोड़ा गिला हो के इस तरह छोटे फ्लेयर वाली चीज़ जिम्मे पौचा भी है तुम सलवार भी पाइए, सलवार तो प्रेफर करो पजामी पाँ का और पर जो तुम यह चीज़ा पाते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सा मटीरियल कि कई बार असं होंगे कि बड़ा पतला मटीरियल ले लें थोड़ा भी वो गिला होने बाद सारा बॉडी नाल चिपक जाता ऑबवियस हो जाता है इस करके बैटर रहिंदा है। या बिल्कुल प्योर कॉटन पाने तो थोड़ा भी गिला होने करके वो क्रश हो जाता है। तो बरसातों के ध्यान रखना चाहिए कि 60% कॉटन होए एंड 40% टेरिन मिक्स होए जिदे नाल कि पसीना भी ज़्यादा नहीं आएगा, क्रश भी नहीं होंगे और अगर लुक भी अच्छी लगेगी। अच्छा इंदिरा जी, कलर्स केड़े-केड़े पाने चाहिए सानू मानसून दे विच? देखो कलर्स तो है मानसून दे विच अगर बरसात है और मौसम बड़ा अच्छा होया
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਕਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧੁੱਪ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਰਸ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਟ ਬ੍ਰਾਊਨ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਬਨ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਫੁਸ਼ੀਆ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲੂ ਬਲੂ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਟਸ ਮਾਈ ਪਲੇਜ਼ਰ